स्टेम सेल से ईडी और पीई का इलाज, साइज टेढ़ापन और शक्ति को बरकरार ना रख पाने का पिशोर से इलाज, ये वो तमाम दावे हैं जो अक्सर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, जिसका जो दिल करता है वो अपनी मर्जी से बोलता है, फिर भले उसके पीछे कोई हकीकत हो या ना हो। सेक्स ऐसा शजरे ममनुआ है जिसके बारे में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ना तो इसके बारे में कोई सवाल करना है, ना इसके बारे में जानने की कोशिश करनी है। ये तो बड़े दुख की बात है फिर। बिल्कुल दुख की बात है, और उससे ज्यादा दुख की बात ये होती है कि हमारा कुछ पढ़ा लिखा तबका और इवन कुछ डॉक्टर हजरात भी ऐसी बेतुकी बातें करते हैं कि जिनको सुन के इंसान दंग रह जाता है। अब मेरे पास हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल वगैरह पे ऐसी कई रिक्वेस्ट्स आई हैं, ऐसे कई सवालात आते हैं जो लोग फेसबुक सोशल मीडिया पे देखने वाले एड्स के बारे में करते हैं। आज के सेशन में उन्हीं कुछ बातों पे, उन्हीं कुछ एड्स का पोस्टमार्टम करेंगे और उनके जो सवालात हम तक पहुंचे हैं हम आज उनके बारे में बात करेंगे। कुछ डॉक्टर्स के मुताबिक शॉकवेव थेरेपी, स्टेम सेल्स और पी शार्ट यानी पीआरपी या पेपर शॉर्ट जिसे कहते हैं, उससे आपके टाइमिंग की कमी, शक्ति की कमी, टेढ़ापन या थिकनेस में कमी, मोटाई में कमी, इन सब का इलाज हो सकता है। यानी एक ही चीज़ पी और ईडी दोनों पे काम करेगा, क्या ये वाकई मुमकिन है? आज हम इसी पे बात करेंगे कि स्टेम सेल और पी शॉर्ट क्या वाकई ये आपके शक्ति के मसाइल को हल कर सकता है, या स्टेम सेल और पी शॉर्ट क्या वाकई ये आपके टाइमिंग के इश्यूज को हल कर सकता है? सर पहले तो ये बताएं कि पी और ईडी होता क्या है, थोड़ा आसान अल्फाज में। जी मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन हम बात करते हैं ईडी की। ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि शक्ति में कमी। अब शक्ति में कमी के मसले को उर्दू में अगर लिया जाए तो इसे मर्दाना कमजोरी कहा जाता है आमतौर पर, लेकिन एक गलत कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे टाइमिंग में कमी को भी मर्दाना कमजोरी के जिम्मे में गिनते हैं, लिहाजा ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। देखिए शक्ति में कमी क्या होती है कि या तो आपको इरेक्शन यानी शक्ति पूरी आ ही ना रही हो, ये एक प्रॉब्लम होता है। फिर इसका दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको इरेक्शन आ जाती है लेकिन कुछ टाइम के बाद ही वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, इसको भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, या शक्ति बिल्कुल ही ना आए, इसको भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। तो ये डिफरेंट किस्में हो सकती हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। इसी तरह से जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है यानी कि जो टाइमिंग की कमी है, अब टाइमिंग की कमी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर हम करें तो आपका यानी मर्द का अपनी ख्वाहिश से पहले डिस्चार्ज हो जाना, खारिज हो जाना प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहलाता है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन यूं कह सकते हैं कि आपके पार्टनर की सेटिस्फेक्शन से पहले ही आपका डिस्चार्ज हो जाना भी टाइमिंग की कमी कहलाता है। सर बात को आगे ले जाने से पहले सबको ये भी बताएं कि ये होता क्यों? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर हम बात करें इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी शक्ति में कमी के मसले की, तो उसकी वजूहात में कुछ चीज़ें सर फहरिस्त रहती हैं जिनमें हम काम करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर के मर्ज को। शुगर का मर्ज जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है बेसिकली, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बॉडी में जो इवेंचुअली आपके शक्ति में मसले की वजह बनती हैं। उसके साथ साथ हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का मसला, ब्लड प्रेशर का मसला इवेंचुअली ये जाता है आपके जो रगों का सिस्टम होता है उसको डिस्टर्ब करता है। अब रगें दो तरह की होती हैं, खून लाने वाली और खून को ले जाने वाली, उनमें अलग अलग वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जिस्मानी जो वजूहात हैं उसमें आपका स्मोकिंग का इशू जो है वो आपकी शक्ति में कमी ला सकता है। फिर हार्मोन्स डिस्टर्बेंस वो भी शक्ति में कमी लाएगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से जो है वो इशूज़ हो सकते हैं। इसके बरक्स अगर हम बात करें टाइमिंग के कमी की वजह की, तो उसमें 80% नफ्सियाती मसला जो है वो होता है, जबकि 15-20% कोई जिस्मानी वजह निकलती है। अब जो जिस्मानी वजह है उसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस, विटामिन, मिनरल्स, न्यूरोट्रांसमीटर, नर्वस सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें उसकी वजह बन सकती हैं। ओह अच्छा, ये तो बहुत सरप्राइजिंग है सर। कौन सा हो सकता है कि क्या वजह हो सकती है? हम तो समझते थे सिर्फ अपने हाथ से, आप समझ रहे ना? जी जी मैं समझ रहा हूँ।
लेकिन अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आपको मालूम पड़ना बाकी है। लेकिन उससे पहले जो है, जो चीज़ जानने की ज़रूरत है वो ये है कि आपकी सख्ती का मसला हो या आपकी टाइमिंग का मसला हो, उन दोनों की वजूहात क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कि आपको किसी भी मर्ज, अगर कोई मर्ज हो जाता है तो किसी भी मर्ज की सूरत में जो पहली दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है डायग्नोसिस, के ये हुआ क्यों। अब अगर टाइमिंग का प्रॉब्लम है या सख्ती का प्रॉब्लम है, उसके पीछे की वजह क्या है, तभी उसका सही इलाज मुमकिन होगा। क्योंकि जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि सख्ती का जो मसला है उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इवन अगर हम सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो उसमें भी इटसेल्फ दो ऐसी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ तरीके से जो है आपकी सख्ती को असरअंदाज कर देती हैं। खून लाने वाली रगों में अगर प्रॉब्लम होगा तो उसका इलाज डिफरेंट होगा, और खून ले जाने वाली रगों का प्रॉब्लम होगा तो उसका इलाज इससे टोटली ऑपोजिट होगा। तो इसी तरह से किसी भी मर्ज के लिए, स्पेशली अगर हम टाइमिंग और सख्ती की बात करें, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस मर्ज की वजह क्या है, ताकि उसका प्रॉपर इलाज किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ सबको एक ही लाठी से हाँका जाता है। वो आप जानते हैं कि आप अगर चले जाते हैं किसी डॉक्टर के पास अपने ख़ास मसले की वजह से, तो उनके पास गिने चुने दो तीन नाम होते हैं आपको ड्रग्स के, वही लिख के दिए जाते हैं और उसी लाठी से सबको हाँका जाता है। किसी को चल जाए तो चल जाए, किसी को ना चले तो अगले हफ्ते फिर चक्कर लगाए। ये तो समझ गए कि ईडी किन वजूहत की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं बम्पर सवाल की, ये जो पी शॉट और स्टेम सेल्स हैं ये कैसे ईडी के तमाम मसाइल को हल कर सकेंगे। जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग जिन्होंने उन एड्स को नहीं देखा जिनका हमने आज पोस्टमार्टम करना है, तो काइंडली आप ज़रा एक बार दोहरा दीजिए, ताकि वो लोग जो नए हैं जिन्हें उनके बारे में पता नहीं है कि आज किन सवाल आपके बारे में बात हो रही है, तो आप ज़रा उनके बारे में एक बार रिपीट कर दें, फिर हम उसके बारे में बात करें। पी शॉर्ट से पी और ई डी का इलाज, स्टेम सेल से ई डी और पी ई का इलाज, साइज टेढ़ापन और शक्ति को बरकरार ना रख पाने का पी शॉर्ट से इलाज, ये वो तमाम दावे हैं जो अक्सर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि सख्ती में कमी के लिए पी शॉट। सॉरी सर, ये सब कुछ इतना नया है मेरे लिए, तो बात शुरू करने से पहले सबको ये भी बताएं कि पी शॉट होता क्या है। देखिए, ये एक प्रोसीजर का नाम है, इसे पी शॉट, पीआरपी, प्रेपेस शॉट, ये सब मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। इस बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, आपकी बॉडी से ब्लड निकाला जाता है, उसको प्रोसेस करने के बाद उसमें जो प्लाज्मा आता है वो प्लाज्मा दोबारा से आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब इसके लिए क्लेम ये किया जाता है कि ऐसा करने से जिस हिस्सा में इसको इंजेक्ट किया जाएगा, जैसा कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इसको इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी पीआरपी के नाम से यूज़ होता है। अगर जो लोग क्लेम करते हैं कि ये आपके उज़्व में इंजेक्ट किया जाए, तो उससे क्लेम ये करते हैं कि इस पी शॉट से या पीआरपी से आपकी जो खून लाने वाली रगें होती हैं जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं, तो ये उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो। तो यहाँ बालों के सिलसिले में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने का मतलब है कि यहाँ जो न्यूट्रिशंस हैं, जो तवानाइयाँ हैं, जो गजाइत है, वो ज़्यादा आएगी ब्लड फ्लो बढ़ने से, तो बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। इसी तरह से जो पी शॉट आपके उज़्व के लिए या पेनिस के लिए वो कहते हैं, उसमें भी वो यही कॉन्सेप्ट रखते हैं कि आपका जो खून लाने वाली रगें हैं ये उनको बढ़ाता है। तो इन शॉर्ट ये एक पी शॉट का प्रोसीजर। सर वेट वेट वेट, ये तो वही है ना जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद किया जाता है। जी बिल्कुल वही है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी शख्स की सख्ती का मसला उसकी ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ही ना ही हो, मतलब उसकी सख्ती कम है लेकिन उसकी वजह उसकी ब्लड सर्कुलेशन ना हो, बल्कि उसके हार्मोन डिस्टर्ब हो, या वो शुगर का मरीज हो, या वो स्मोकिंग करता हो, तो क्या ये पी शॉट उसको फ़ायदा देगा। ये तो सादा सी बात है कि मैं शुगर को कंट्रोल करूं या फिर स्मोकिंग को छोड़ दूं। अच्छा चले, अब ये बताइए कि अगर सख्ती में कमी की वजह वेनस लीकेज हो तो। सर मेरा क्यों इम्तिहान ले रहे हैं, मुझे क्या पता कि वेनस लीकेज क्या होती है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, वेनस लीकेज, वेन्स हमारी वो रगें होती हैं जो हमारे पूरे जिस्म से खून को हमारे दिल की तरफ लेके जाती हैं, उन्हें वेन्स कहते हैं। अब अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में हो, सेक्सुअल थॉट आ जाए, तो क्या होता है कि खून का बहाव आपके उज़्व की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है।
उससे क्या होता है कि आपको इरेक्शन आनी शुरू हो जाती है, यानी सख्ती आनी शुरू हो जाती है। अब वो जो खून आ रहा है कुदरत के सिस्टम के मुताबिक आने वाले खून को वापस दिल की तरफ भी जाना है, लेकिन कुदरत ने एक खास निज़ाम रखा हुआ है आपके उज्व में। ये जो वेन्स जो खून को वापस लेके जा रही होती हैं, इनके अंदर खास वॉल्व होते हैं जिसे वेनोक्लूसिव सिस्टम कहा जाता है। क्या होता है कि खून का बहाव बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है तो आपके पट्टे फूलना शुरू होते हैं और इरेक्शन आ जाती है, सख्ती आ जाती है। उस फूलने की वजह से जो वेन्स मौजूद होती हैं आपके उज्व में, उन पे प्रेशर आता है और वो फिर क्लोज होना शुरू हो जाती हैं और वो वॉल्व के तौर पे काम करती हैं। अब वो जब वॉल्व बंद हो जाते हैं तो वो आने वाले खून को वापस जाने ही नहीं देते, वॉल्व तो बंद है, वापस जाने वाली जगह बंद हो गई, तो क्या होगा, यहाँ का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा इरेक्शन उसी उसी तरह से बढ़ती चली जाएगी। उसमें एक खास मिकदार तक खून को थोड़ा बहुत वापस जाने की इजाज़त होती है, लेकिन बहुत सारा खून जो है वो यहाँ ट्रैप होता है, तभी सख्ती बरकरार रहती है। अब जरा सोचें कि अगर उन वॉल्व में प्रॉब्लम आ जाए तो क्या पी शॉट इसके ऊपर काम करेगा, क्योंकि पी शॉट के जो क्लेम करते हैं वो ये कहते हैं कि ये खून लाने वाली रगों को बढ़ाता है, ये वॉल्व पे कैसे काम करेगा। तो वेनस लीकेज पे मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कोई असर होता है। तो फिर इसमें पीआरपी का तो कोई रोल हुआ ही नहीं, ये तो खून लाने वाली रगों को बढ़ाएगा, खून रोकने वाली रगों के वाल्व भी बनाएगा। एग्जैक्टली, That's my point. और वो स्टेम सेल्स क्या है ये भी बता दे। मैं बताता हूँ, देखें स्टेम सेल्स जो है ये एक नई रिसर्च है, नई टेक्नोलॉजी है। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स को कहा जाता है जो मदर सेल्स भी हम आम जुबान में कह सकते हैं कि मदर सेल्स होते हैं, जिनसे एक से दो, दो से चार नए सेल्स बनते हैं। अब जो रिसर्च है, जो रिसर्चर्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये स्टेम सेल्स आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में मौजूद होते हैं, जैसा कि आपके ब्लड में हो या आपके बोन मैरो में हो, तो ये वहाँ से एक खास प्रोसीजर के ज़रिए इन सेल्स को निकालते हैं और वो आज़ाद जो आपके कमज़ोर हैं इनको वहाँ इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि वहाँ की कमज़ोरी को दूर किया जा सके। तो कुछ लोग जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी ये आपकी रगों को भी बढ़ाएंगे, ये आपके पट्टों को भी दोबारा से डिवेलप करेंगे, इवन ये आपके आसाब को भी डिवेलप करते हैं, जो कि मैं नहीं समझता पॉसिबल है, क्योंकि जो नर्व सेल्स होते हैं आपके, जो आसाब होते हैं, वो उनका रिपेयरमेंट भी एक हद तक होती है, नए बनना तो दूर की बात है। तो बहरहाल ये प्रोसीजर जो है इसमें क्लेम किया जाता है कि ये आपकी सख्ती अगर प्रॉब्लम है तो उसमें आपकी रगों को, आपके पट्ठों को, आपके आसाब को डिवेलप करते हैं, दोबारा से रीजनरेट करते हैं। अभी ये एक नई रिसर्च है तो ये दावा करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और चलें अगर ये ईडी पे इस तरह से काम कर भी लेता है तो फिर वो हजरात क्या जवाब देंगे इस बात का कि यही स्टेम सेल्स आपकी टाइमिंग के इशू को कवर करते हैं। टाइमिंग के इशू, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि उसकी 80% वजूहत जो है वो साइकोजेनिक होती हैं। अब साइकोजेनिक रीज़न के लिए स्टेम सेल्स किस तरह से काम करते हैं, इतना बड़ा दावा कर देना और उसकी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं समझता कि ये देना किसी के लिए आसान होगा। वो यूं कि किसी रिसर्च में, स्टेम सेल्स की किसी रिसर्च में अभी तक ये नहीं कहा गया कि स्टेम सेल्स आपके हॉर्मोन्स बढ़ाते हैं, स्टेम सेल्स आपके शुगर को ठीक कर देंगे, स्टेम सेल्स आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा करते हैं। ये सारी चीज़ें तो हॉर्मोन्स और आपके जो विटामिन मिनरल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये सब तो आप अपनी डाइट से लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म के नमकियात होते हैं जो आप अपनी डाइट से लेते हैं, तो इसका फिर पी पर तो कोई असर नहीं रह जाता। सर इतना सारा सच एक ही साथ, यानी बेचारे लोगों को खुल्लम खुल्ला लूटने वाली बात हुई, यानी जो चीज़ काम ही नहीं करती वो मुझे एक एक दे दी जाए कि ये आपकी टाइमिंग को ठीक करेगी। इतना तो आप खुद भी एनालाइज कर ही सकते हैं। लेकिन सर ऐसे भी तो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें फ़र्क पड़ा है, हाँ ज़्यादा नहीं 10% ही। शायद आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया कि जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है, यानी कि जो टाइमिंग का इशू होता है, उसमें 80-85% जो है वो नफ्सियाती यानी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही होती है। अब जो लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी अपनी टाइमिंग बढ़ाने के लिए, टाइमिंग को ज़्यादा करने के लिए पी शॉट या स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग साइकोलॉजिकली वो ये एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि अब मेरे प्रॉब्लम का हल हो रहा है, मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ, इसका एक प्रॉपर इलाज हो रहा है। जब वो साइकोलॉजिकली इस चीज़ से सेटिस्फाई होना शुरू हो जाते हैं, मुतमईन हो जाते हैं, तो उनका वो एनजाइटी, वो डिप्रेशन,
जो उनके साथ मौजूद था इस परफॉर्मेंस को लेकर वो कम हो जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा करता है कि हाँ मेरा इलाज हो रहा है, इसलिए उनको वो फिर इलाज उस तरह से नज़र आना शुरू हो जाता है। अब भले वो 10% है, 20% है, जैसा भी है, लेकिन वो उसको महसूस करना शुरू करते हैं अपनी नफ्सियात में, नफ्सियात की वजह से। वो जो उनका स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, परफॉर्मेंस एंजाइटी थी, वो कम होने की वजह से उनको वो इफेक्ट नज़र आ रहा होता है। हमारी मेडिकल लैंग्वेज में हम इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब वो नफ्सियाती असर की वजह से इम्प्रूवमेंट आती है, ना कि स्टेम सेल्स की वजह से। मुझे लगता है आपकी समझ में आना शुरू हो गई है चालाकियाँ थोड़ी थोड़ी। चलें, ये तो समझ आ गई कि ये दोनों सिस्टम क्या हैं। क्या ये पी शॉट ईडी पे काम करता है? देखिए, ये मेरा कहना नहीं है, ये तो वो लोग कह रहे हैं जो जिनके एड्स चल रहे हैं कि पी शॉट आपकी शक्ति की कमी के मसले को हल करने में मदद कर सकता है। मुझसे तो आप ये सवाल कीजिए कि रिसर्च क्या कहती है। ये तो और भी अच्छा है, ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। मैं आपको पी शॉट के बारे में बताता हूँ, लेकिन एक रिसर्च के रेफरेंस से। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि ये रिसर्च कहाँ शाया हुई और किसने की। तो पहले ये देखिए, ये है मेडस्केप। मेडस्केप एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे दुनिया भर की रिसर्च जो की जाती है मेडिकल फील्ड में, ये उन रिसर्च के हवाले से जो भी डेटा होता है या जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो फाइनलाइज होके कन्वेंशंस में डिस्कस होने के बाद इस वेबसाइट पे अपलोड होती हैं। और इस वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए डॉक्टर हजरात को बाकायदा डॉलर्स में पे करना पड़ता है, ताकि वो इसको लॉगिन करके नई लेटेस्ट रिसर्च से अपडेट रह सकें, नई रिसर्च के बारे में जान सकें। तो ये मेडस्केप एक ऑथेंटिक चैनल है, एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको मालूमात हासिल होती है। और ये हैं मिस्टर ब्रायन लेडर, ये एंड्रोलॉजिस्ट हैं, रिसर्च फेलो हैं मियामी फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में। तो इनको इनकी रिसर्च पर जो है वो बेस्ट एब्स्ट्रैक्ट का अवार्ड भी दिया गया है। और इनकी रिसर्च थी कि पीआरपी क्या, ये पीआरपी जो है जिसे क्लेम किया जाता है कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन को प्रॉपरली ट्रीट करती है, क्या वाकई में ऐसा है, क्या वाकई में ये उतना असर रखती है, ये इनकी रिसर्च थी। तो सर, इंतज़ार किस बात का, जल्दी बताएं ना क्या कहती है रिसर्च। तो ठीक है, अपना दिल थाम लीजिए और देखें ये रिसर्च क्या कहती है। इनके मुताबिक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यानी पीआरपी जो है ये वाकईतन दुनिया भर में बहुत मशहूर है, लेकिन अगर हकीकतन इसकी बात की जाए तो अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो ये प्रूफ कर सके कि ये वाकई ही ईडी पर काम करता है। सीरियसली, यहाँ तो धड़ाधड़ लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। रुकिए ज़रा, ये तो इब्तिदा है। रिसर्च में डॉक्टर ब्रायन आगे और क्या कहते हैं हम देखते हैं। कि जो ट्रायल हमने किए हैं पीआरपी, इसमें कुछ खास हौसला अफजा रिजल्ट नहीं दे पाई। और रिसर्च की खास बात ये थी कि डबल ब्लाइंडेड रिसर्च थी, ना डॉक्टर को पता था कि वो मरीज को क्या दे रहा है और ना ही मरीज को पता था कि उसे किस चीज़ के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं ताकि असल सूरत हाल सामने आ सके। और इसके नतीजे कुछ यूँ निकले कि पी शॉट यानी पीआरपी को, पीआरपी का कोई ख़ास असर नहीं है सख्ती के मसाइल को हल करने पे। उन्होंने मेडस्केप न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए मजीद ये बताया कि पीआरपी मासिला एक प्लेसिबो के और कुछ नहीं। और मैं आपको फिर बताता चलूं कि प्लेसिबो का मतलब होता है ऐसा इलाज जिसमें मरीज को कुछ दिया तो जाए, इंजेक्शन हो या गोली, कुछ दिया तो जाए लेकिन असल में वो कोई दवाई नहीं होती। वो जस्ट अगर इंजेक्शन है तो वो पानी होता है या कुछ भी हो सकता है, और अगर वो दवाई है तो वो मीठी गोली होती है। इससे उसका नफ्सियाती जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसको रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं, डॉक्टर ब्रायन कहते हैं कि पीआरपी जस्ट एक प्लेसिबो की तरह काम करती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस में। उन्होंने मजीद कहा कि ये डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है कि अपने मरीजों को बताएं कि पीआरपी पर अपना पैसा और अपना टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि इसका टाइमिंग या सख्ती पर कोई असर नहीं है। क्योंकि इस रिसर्च में टाइमिंग के हवाले से तो इसका कोई पॉइंट ही नहीं था, जबकि सख्ती के हवाले से
इस रिसर्च को आपके सामने रखा गया और सख्ती पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं। ये तो थी पीआरपी की बात। अब हम बात करते हैं स्टेम सेल्स की। अब देखें, कुछ लोग स्टेम सेल के बारे में ये क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान में, इवन कराची में, कि स्टेम सेल जो है उससे आपकी टाइमिंग की कमी और सख्ती में कमी की दोनों की ट्रीटमेंट की जा सकती है। मेरा सवाल ये है, क्या आप लोगों ने कभी उनसे जानने की कोशिश की है कि आपकी टाइमिंग में कमी की वजह क्या है, सख्ती में कमी की वजह क्या है? मैं इनकी वजूहात पहले आपको बता चुका हूँ, मुख्तलिफ वजूहात हैं। क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि जिस वो आखिर वो कौन सी वजह है जिसके लिए ये आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और वो वजह जानने के लिए उन्होंने आपके कौन कौन से टेस्ट करवाए हैं जिससे वो इस नतीजे पे पहुंचे कि आपको इस चीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है और उसके लिए आपको पीआरपी या स्टेम सेल करवाना पड़ेगा? सर, आपने तो मुझे सोच में डाल दिया। अब एक साहब ने अपनी वीडियो में ये क्लेम किया है कि वो हजरात जो अपनी सख्ती को बरकरार ना रख पाएँ, सस्टेन ना कर पाएँ, उनको भी वो पी शॉट या स्टेम सेल से ट्रीट करने की का दावा कर रहे हैं। देखें, मैं पहले बता चुका हूँ कि वीएल क्या होता है, आप यहाँ पे ये एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये देखें, इसमें जब ब्लड आपकी आर्टरी से आता है तो आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह से आपको इरेक्शन आ जाती है। अब ये इरेक्शन आती है ब्लड के फ्लो के आने की वजह से, ये जितना प्रेशर से आएगा इसको उतना ही ज़्यादा सख्त करेगा, और फिर इसी आने वाले खून को वापस जाने के लिए ये नीली रगों से इसने वापस जाना होता है। इनमें होते हैं वॉल्व जो आने वाले ब्लड को वापस जाने नहीं देते, तो इरेक्शन सस्टेन रहती है। और सर, कर्व का क्या? बेसिकली उन्हें आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि ये जो कर्वेचर या टेढ़ापन होता है इसकी हकीकत क्या है। देखें, जो टेढ़ापन या कर्वेचर जो भी आता है उसकी कुछ वजूहात होती हैं, उनमें से मास्टरबेशन की आदत, अगर आप लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं तो कर्व के लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, राइट हैंड यूज़ करते हैं तो राइट हैंड पे टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आप अंडरवेयर यूज़ करते हैं, अंडरवेयर चूँकि हम अमूमन नौजवान बड़े टाइट अंडरवेयर पहनते हैं तो वो जिस साइड पे होगा वो उस साइड का कर्व उसमें आना शुरू हो जाएगा। फिर तीसरी एक और वजह होती है कि बचपन में हम एज अ मुस्लिम खतने करवाते हैं, तो खतने होते वक्त वो जो जिल्द होती है अगर वो ठीक से ना की गए सर्कमसाइज ठीक से ना किया गया हो तो वो जिल्द के टाइट होने की वजह से उसमें करवा सकता है, वो तो एक जेन्युइन फैक्ट हो सकता है। लेकिन इनमें से कोई भी वजह से किसी भी तरफ को टेढ़ा हुआ हुआ हो, टेढ़ापन कोई बीमारी नहीं होता। यहाँ हमारे कुछ पढ़े लिखे डॉक्टर हजरात जो हैं वो इसको बीमारी बता के इसका ट्रीटमेंट के नाम पे आपसे स्टेम सेल्स और पीआरपी के नाम पे जो है वो आपसे चार्जेस लेते हैं और आपको ट्रीट करते हैं। इसी तरह पी पर बात करते हुए एक साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि टाइमिंग की कमी को स्टेम सेल से और पी शॉट से कवर किया जा सकता है। अब वो यही बता रहे हैं कि टाइमिंग की कमी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होती है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी न्यूरो ट्रांसमीटर्स की ओवर एक्टिविटी की वजह से होती है। अब स्टेम सेल और पी शॉट जो हैं उनका आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स पर क्या इफेक्ट है, इसके लिए कोई रिसर्च मौजूद नहीं है। मेरी नज़र में ऐसी कोई रिसर्च आई नहीं है, इवन वो खुद भी इसको क्लेम नहीं करते। तो ये जो पी शॉट्स या स्टेम सेल से हाइपर सेंसिटिविटी को कम करने वाली बात है, ये कुछ हजम नहीं होती। ऑन अदर हैंड एक और साहब हैं, वो कहते हैं कि पी शॉट से जो आपका ग्लैंड्स होता है, जिसे आप सामने कैप कहते हैं, टोपी कहते हैं, वो कहते हैं कि ग्लैंड्स की हाइपर सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं। एक जगह जो है वो आप कह रहे हैं कि कम करते हैं, दूसरी जगह एक साहब कह रहे हैं कि उससे इसकी हाइपर सेंसिटिविटी को डिवेलप किया जाता है। दोनों चीज़ों में इंट्रोडक्शन है, इसको देखने की ज़रूरत है। जी, बड़ा वैल्यू है। मैं और क्या कह सकता हूँ, मैं तो आपके सामने रिसर्च एंड फैक्ट्स रख रहा हूँ, ये तो आपके डॉक्टर्स को चाहिए वो आपको बता दे कि टेढ़ापन कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज़ का इशू, ये सारी चीज़ें उनको खुद बताने चाहिए थे। वो यहाँ उल्टा ये चीज़ें आपको बता रहे हैं कि जी पीआरपी और स्टेम सेल्स जो है वो आपके टेढ़ेपन को, आपकी मोटाई को, आपके सख्ती को, और तो और वो आपके टाइमिंग को भी कवर करता है, जिसका इवन कोई रिसर्च भी क्लेम नहीं कर रही है। ये देखें तो सही, आप ये जो दो ग्रोहों पर ट्रायल किया गया, एक ग्रोह को पीआरपी यानी पी शॉट या प्रिपल शॉट दिया गया और दूसरे को प्लेसिबो इंजेक्शन दिए गए। दोनों में रिसर्च के आखिर में जब उनके डॉपलर करवाए गए
तो उसमें दोनों के डॉपलर में कोई फर्क नहीं था, जैसा पहले थे वैसे ही बाद में थे। तो उससे साबित क्या हुआ कि इसने इवन प्लेसिबो का इफेक्ट भी नहीं दिया उनमें, कुछ ग्रुप्स के कुछ लोगों पर। सर मेरा तो दिमाग शार्ट हो गया, आखिर कब तक हम बेवकूफ़ बना जाएंगे? जब तक हम खुद अपनी आंखें खोल कर, अपने कान खोल कर इन चीज़ों को एनालाइज करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हम इस तरह के लोगों का शिकार होते रहेंगे। हमें चाहिए कि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, ना सिर्फ सेक्स के हवाले में, किसी भी हवाले से, कोई, मैं अपने हर पेशेंट से ये कहता हूँ कि कोई भी बीमारी हो, उसका ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले उसकी वजह तो जानने की कोशिश करें कि ये क्यों हुआ। जब आपको क्यों का जवाब मिल जाएगा तो फिर इसको ठीक कैसे करना है, इसका जवाब तो बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप लोगों को भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि किसी भी बीमारी के सूरत में पहले अपना डायग्नोज करवाएं कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, फिर उसका इलाज करने की तरफ जाइए। सर आपकी बातें सुनकर तो ये लग रहा है कि ये सारे नौजवान इन लोगों के मुकरम को जी रहे हैं। आप तो आज ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, मैं रोज़ अपने क्लिनिक में ये सारी चीज़ें देखता हूँ। रोज़ मेरे पास कई जवान आते हैं जो अपने जमा पूंजी जो है वो लुटाने के बाद जो है वो आते हैं और मुझे अपने किस्से बताते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपने पैसे लुटाए और उनको फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये सब देखने के बाद मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि न जाने कब हम अपने बच्चों को ये बताना, ये सिखाना शुरू करेंगे कि सेक्स एजुकेशन होती क्या है, ये क्यों ज़रूरी है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे नौजवान नस्ल जो है वो इस तरह के लोगों का बड़ी आसानी से शिकार बनती चली जाएगी। और कुछ वो मोतबर लोग जो पढ़े लिखे हैं और जानते बूझते जो हैं वो बच्चों को गुमराही की तरफ लेके जाते हैं, उन्हें डराते हैं, खौफजदा करते हैं और फिर उनसे पैसे बटोरते हैं, और यूं करके वो इस बाइज़्ज़त पेशे से बच्चों का भरोसा जो है वो उठा देते हैं। सर प्रोग्राम के इख्तिताम पे आप हमारे नौजवान को क्या मैसेज दें? जी बस मैं इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात कहा है, इसका मतलब है कि आप उसकी बेहतरीन तख्लीक हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो तख्लीक अपने काम करने से पहले ही नाकारा हो जाए? ज़रा सोचें तो सही, फ्रॉड से बचें। देखिए इलाज आप कहीं भी करवाइए, लेकिन इलाज से पहले अपनी तशखीस डायग्नोज ज़रूर करवाएं कि आखिर मसला क्या है, फिर उसके इलाज की तरफ जाइए ना। मेरे पास अक्सर लोग ये भी जो है वो ख्वाहिश लेके आते हैं कि सर आप टेस्ट वगैरह छोड़े, बस मुझे कोई भी दवाई दे दें। कितना ख़तरनाक काम कर रहे हैं आप अपने साथ। देखिए जब आपको पता ही नहीं है, फ़र्ज़ करें आपके पास मोबाइल है, आपको नहीं पता कि उसमें ख़राबी क्या है, और आप यूं ही आके किसी दुकानदार को क्या ये कहते हैं कि इस मोबाइल की स्क्रीन बदल दें? नहीं सर बिल्कुल नहीं, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, बिना चेक किए कोई अपनी स्क्रीन क्यों चेंज करेगा? एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है कि आप अपने जिस्म को अपने मोबाइल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। मोबाइल ख़राब हो जाता है तो आप उसको जब तक चेक ना करवा लें इसमें मसला क्या है, आप उसमें कोई भी काम नहीं करवाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने जिस्म के पुर्जों को ख़राब करार देने से पहले कुछ ज़रूरी टेस्ट करवा लेने चाहिए, ताकि पता तो चले कि आया वो ख़राब हैं भी कि नहीं, या कुछ लोग आपके साथ फ्रॉड करके ख़राब बता के आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं? ये सोचने का काम आपका है, और थोड़ा नहीं पूरा सोचिए। थैंक यू डॉक्टर मुजाहिद, आपसे बहुत सारी मालूमात मिली और आप सबका भी।